श्रोताओं नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी पांडे सांकृत्य। दोस्तों आज आप सुनेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का अध्याय 8 रेल की यात्रा का पार्ट 2। पार्ट 1 कल आप सुन चुके हैं, आज आप पार्ट 2 सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं पार्ट 2 रेल की यात्रा। हमारी गाड़ी दनादन चली जाती थी, कभी चढ़ाई और कभी उतराई, तो कहीं पहाड़ की सुरंग में होकर रास्ता था, कभी आसपास के पहाड़ों पर अनेक प्रकार के फलों का ही बगीचा था। आखिर कुछ घंटों चलने के बाद हमारी गाड़ी ने पहाड़ छोड़ा, अब घने जंगलों का रास्ता था। पहाड़ पुराने साल के ऊंचे और मोटे वृक्ष थे, बीच बीच में और बड़े बड़े दरख्त थे। मुझे मालूम ही कि इस तराई में बाघ और हाथी कई तरह के जानवर होते थे। मैंने उनके बारे में पूछा, मुझे बताया गया कि इन जंगलों में उन हिंसक जीवों का नाम नहीं, सारे हिंसक जीव मार डाले गए हैं। उनके मूल की रक्षा प्राणी संग्रहालयों में की जाती है। जो 2-4 नर और मादा रखे गए हैं, उनके खाने के लिए नकली मांस के टुकड़े दिए जाते हैं जिन्हें वह पहचान नहीं सकते। हाथियों को भी फंसा कर प्रायः जंगल खाली कर दिया गया है। उनका भी जात उन्मूलन क्रिया से विनाश साहित कर दिया गया है। अब केवल प्रदर्शनी व विद्या के उपयोग के लिए कुछ रखे गए हैं। अब यह जंगल निकृष्ट हो गया है। अभी 2-3 कोस गए होंगे कि एक स्टेशन आया। यहाँ के माल गोदाम भारी तथा यहाँ से 2 लाइन जंगल की ओर गई थी। उनके बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि ये लाइनें दूर तक गई हैं। यहाँ से पूर्व थोड़ी दूर पर एक बड़ा ग्राम है जिसका नाम कागज ग्राम है। इसमें 10,000 लोग बसते हैं। बस्तियों का ढंग दूसरे ग्रामों का सा ही है। वहाँ के निवासियों को भी किसी प्रकार के सुख सामग्री से वंचित होना नहीं पड़ता। कागज ग्राम में कागज का बड़ा भारी कारखाना है। लकड़ियों के काटने, टुकड़े करने, उठाकर कारखाने तक लाने, चीरने, फाड़ने, पकाने, गलाने, पल्प तैयार करने, कागज बनाने, काटने, तह लगाने आदि सभी कामों के लिए बिजली द्वारा चलाई जाने वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ से कागज तैयार होकर छापाखानों में जाते हैं। रद्दी कागज, सड़े गले कपड़ों आदि से भरे रेल के डब्बे मैंने स्टेशन पर खड़े देखे, जिनके बारे में मालूम हुआ कि यह सब कागज बनाने के लिए जा रहे हैं। पता लगा कि कागज बनाने के सभी उपकरण, बांस, घास, लकड़ी आदि यहाँ प्रचुर परिमाण हैं। यह यहाँ उसका कारखाना खोला गया है। वहाँ से आगे लकड़ी के ही कारखानों वाले ग्राम हैं, जिनमें मशीनों द्वारा लकड़ी के तख्तों को चीर कर चौखट, किवाड़, चौकी, तिपाही आदि सभी काठ के सामान बनाए जाते हैं। अब हमारी गाड़ी और आगे चली। मैंने मन ही मन विचार किया, अब थोड़ी देर में जंगल से पार हो जाएंगे, किंतु इतनी देर होने पर भी देखा अभी तक गाड़ी जंगल ही में जा रही है। अब जंगल से ज़्यादा वृक्ष सागौन के थे। मैंने पूछा, ऐसी लकड़ियों तो इधर नहीं दिखी थी? विश्वामित्र ने कहा, यह लकड़ियां ही नहीं, पहले यहाँ खेत और गांव बसे थे। यह 100 वर्ष से कुछ ऊपर की बात है, जब यहाँ सागौन का जंगल लगाया गया तब तो इनसे लकड़ी की चीजें बनाने वाले यहाँ कई ग्राम
इस तरह तराई के लकड़ी और कागज के कारखानों के बने लकड़ी और कागज से आधे भारतवर्ष का काम चलता है। इस जंगल में वृष्टि होने और आगे के पहाड़ों में तरावट आने में भी मदद पहुंचती है। तराई के सागौन और साल की लकड़ी बड़ी दृढ़ और सुंदर होती है। गाड़ी बीच में दो दो तीन तीन मिनट रुकती दनादन चली जा रही है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष मेरे आने का समाचार सुनकर देखने के लिए स्टेशन पर आए हुए हैं। उतरने का तो कोई काम नहीं है, खिड़की पर बैठा ही हूँ। सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी खुद ही परिचय करा देती है। गाड़ी रुकते समय थोड़ी देर के लिए हमारी बात कट जाती है, नहीं तो बराबर गाड़ी की तरह वह भी चलती ही जाती है। अब हम लोग जंगलों के बाहर चले आए। अब सड़क के दोनों ओर हरी हरी घासों का मैदान है। मैंने पूछा, क्या जेठ मास में भी अभी घासें हरी हैं? क्या तुम लोगों ने और चीज़ों की भांत बादलों को भी तो अपने काबू में नहीं कर लिया? अध्यापक हक ने कहा, हाँ, अब वृष्टि कराना भी हमारे हाथ में हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर विज्ञान द्वारा वृष्टि कराई जाती है, किंतु यहाँ तो समय समय पर हरी घासों को जगह जगह फैले हुए नलों के जल को खोलकर सींच दिया जाता है। वृष्टि ऊंचे सूखे पर्वतों को हरा करने के लिए कराई जाती है। नहीं देख रहे हैं भूमि कैसी समतल पानी के तल के बराबर है? मैंने पूछा, बरसात का पानी भूमि को काट काट कर उबड़ खाबड़ नहीं बना देता? इस पर उन्होंने कहा, पानी की चलनी तो वैसा करने में कब चुकता, किंतु अब उनका रास्ता निर्दिष्ट है। कितना ही पानी बरसे, उन पक्के रास्तों अथवा नालों द्वारा बड़े नालों में होकर नदी में पहुंचा दिया जाता है। रेल की सड़क को नहीं देख रहे हैं? कदम कदम पर लोहे के पुल बंधे हुए हैं। जल के रास्ते पर कहीं जबरदस्ती नहीं है। अब गायों की झुंड चारों ओर बिखरे हुए बड़े सुंदर दिखाई देने लगे। अब तक तो सड़क के किनारे तार नहीं गड़े थे, किंतु अब तो तार भी बराबर गड़े हुए थे, जिनमें गाय चलती गाड़ी के आगे न आ जाए। बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी गायें थी। उनकी सूरत देखते रहने की तबीयत चाहती थी। गायों के बछड़े अलग करके दूध चराए जा रहे थे। हरी हरी घासों को बड़े प्रेम से गायें चर रही थी। मैंने कहा, अब दाना खली की इन्हें क्या आवश्यकता? इस पर अध्यापक विश्वामित्र ने कहा, अभी खली मक्का का दाना कण और चोकर इन्हें दिया जाता है। सायंकाल को थान पर जाते ही उनको स्वादिष्ट व्यारू कहाया जाता है। मैंने जगह जगह देखा कि लंबे लंबे पक्के हौजों के साथ पानी लबालब भरा हुआ है। पानी इनमें बराबर आता और निकलता रहता है। यहाँ गायें आकर पानी पीती हैं। जगह जगह हरे वृक्षों की छाया है। कुछ गायें वहाँ भी बैठी जुगाली कर रही हैं। गायों के झुंड में कई भीमकाय सांड भी दिखाई दिए, जिनमें कुछ चर रहे हैं और कुछ अभां कर रहे हैं। सांडों को देखते ही मुझे एक बात स्मरण आ गई और मैंने अध्यापक हक से पूछा, आप लोग खेत तो बिजली के हलों में से जोतते हैं और गाड़ी भी बिजली ही से चलाते हैं। बैलों के खाने वाले भी नहीं, सांड रखने को 100 पर 2-3 बैलों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इतने बछड़े तो पैदा होते होंगे, किस काम आते हैं? कितने बछड़े? हम लोग पैदा ही उतने बछड़े होने देते हैं जितने सांडों की आवश्यकता है, बाकी बछिया ही पैदा कराई जाती है। मैं तो क्या
अब आपने यह विद्या भी पाली है? हम कहते हैं हाँ, जो जो आवश्यकता और कठिनाई मार्ग में आती गई हमने परिश्रम किया और इसका हल भी मिल गया। मैंने हंसते हुए कहा, भाई तुमने सब बातों का कमाल किया, सब कठिनाइयों को सहज और असंभवों को संभव बना दिया। तुम शायद एक ही असंभव बात न जानते होंगे, यही गायें हैं जिनको लेकर 2वीं, 20वीं और इसके पूर्व शताब्दियों में हिंदू मुसलमान प्रलय तक एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे। हक कहते हैं वे हमारे पूर्वज चले गए, उनके लिए कुछ कहना तो ठीक नहीं, तो भी यह निरा अज्ञान था। दोनों अपनी हमेशा की भलाई की ओर नहीं देखते थे। सोना लूटा जा रहा है और कोयला पर लठ मलठ करते हैं। सचमुच आजकल जब कभी हम लोग पुरानी बातों को पढ़ते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहते। अब मालूम हुआ कि अगला स्टेशन गोग्राम है। मैंने गोग्राम के विषय में बहुत कुछ दर्याफ्त किया, जिसका सारांश यह है कि इस गांव में 5000 आदमियों की बस्ती है। असल में आदमियों की बस्ती को तो गोग्राम न कहकर गोपाल ग्राम कहना अच्छा होगा, क्योंकि गांव में तो एक भी गाय नहीं रहती। गांव स्टेशन से लगा हुआ है, गायों का गोश्त वहां से 1 मील दूरी पर है, चलने का मैदान तो कई कोस में है। इस मैदान में जहां तहां घास के तार बराबर ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। गाय बच्चे मिलाकर सब 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। इनमें से प्रायः आधी तो दूध देने वाली गायें ही होती है, भला इतनी गायों को कौन दूह सकता है। किंतु विज्ञान ने जैसे और कठिनाइयों को सरल कर दिया है, वैसे ही इसे भी सरल कर दिया है। गायें पाती से खड़ी रहती हैं, उनके बीच में मोटे मोटे नल गए रहते हैं और इन नलों से निकले छोटे नल गायों के नीचे जाते हैं, जिनमें लगी रबड़ की नलियां स्तनों पर लगा दी जाती हैं। बस मशीन द्वारा सभी दूध दूह कर बड़े नलों द्वारा रेल लाइन पर खड़ी दूध की गाड़ियों के डिब्बे में गिरता है। डब्बे भरते जाते हैं, जिन जिन गाँव को उनका खर्च है वहाँ रवाना होते रहते हैं। जिन जिन गाँव में उनका खर्च है वहाँ रवाना होते जाते हैं। यहाँ दूध बिना हवा देखे ही डब्बों में बंद हो जाता है, वहाँ भी उसे हवा का साक्षात्कार नहीं होता। बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में भी ऐसे ही नलों के द्वारा उसे ले जाया जाता है। खर्च वाले गाँव में जाकर भी बंद ही उसकी बिजली आँच से गर्म कर दिया जाता है। पीने के वक्त ही वह दूध जस देव के लिए हवा का मुख देखता है। गौग्राम में दूध गर्म करने आज का कोई बखेड़ा नहीं, यहाँ वालों का काम है गौओं की हिफाजत करना, उनके संतान पैदा करना, दूध निकालना, स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार भेजना और बस। ब्याई बिन ब्याई बच्चे सबके लिए चरने और उनके पृथक पृथक स्थान है, जहाँ से बिना मर्जी के अपने आप को इधर उधर नहीं आ जा सकते। गाय भैंस भेड़ बकरी के गांव में कुछ घोड़े भी पाले जाते हैं। घर वाले घोड़ों पर चढ़कर इच्छा अनुसार अपने गल्ले पर शासन करते हैं। बीमार बुढ़े पशुओं के आराम और चिकित्सा का वैसा ही प्रबंध है जैसा कि मनुष्यों के लिए गांव के लोग अपनी ड्यूटी के अनुसार आकर काम करते हैं। गौग्राम खेती वाले ग्रामों को लाखों मन खाद देता है, यह खाद बराबर रेलों पर लाद कर पहुँचाई जाती है। अगला स्टेशन भैंस ग्राम था। चरने का वही मैदान आगे भी बढ़ता चला आया था। जैसे ही सुंदर और विशाल गायें दिखी थी,
वैसे ही भैंसे भी दिखाई दी। जैसे ही सुंदर और विशाल गाय देखी थी वैसे ही भैंसे भी दिखाई पड़ी। उनके सामने हंसी हिसार की 20वीं शताब्दी की भैंसे तुच्छ हैं। काली काली दें उनके स्तन बोतल की भांति झलकते थे, जिनको देखते ही मालूम होता कि यदि एक मन नहीं तो कुछ ही कम दूध देती हूँ। भैंस ग्राम के विषय में मालूम हुआ कि यहाँ भी उतनी भैंसे हैं जितनी पिछले गौ ग्राम में गाय। हक का उत्तर सुनकर मैंने फिर से पूछा, सांड से अधिक भैंसों का क्या होता है? भैंसों को पानी में बैठने से बड़ा प्रेम, इसके लिए स्थान स्थान पर चौड़े चौड़े कुंड बने हुए हैं, इसमें पानी आता और निकलता रहता है। खाने पीने रहने दवाई दर्पण सबका प्रबंध गौ ग्राम शाही है, किंतु भैंस ग्राम के 10,000 आदमी बसते हैं, इनके लिए काम भी विशेष है। बात यह है कि गायों की भात भैंसों का दूध नहीं बेचा जाता। भैंसों का दूध वैद्य की सम्मति से कहीं थोड़ा बहुत भेजा जाता है, नहीं तो सब दूध मशीन द्वारा मंथन करके दूहने के बाद मक्खन निकाल लिया जाता है। यह मक्खन बर्फ से रक्षित गाड़ी के डब्बों में बंद करके स्थान स्थान पर भेजा जाता है। आवश्यकतानुसार मक्खन से घी बनता है। किंतु क्या मक्खन निकालकर हजारों मन दूध का अवशिष्ट भाग रोज फेंक दिया जाता है? नहीं, यहाँ बटनों का भी भारी कारखाना है। दूध का सफेद धन भाग रासायनिक प्रक्रिया से पृथक करके उनसे नाना रंग बिरंग के बटन बनते हैं। बटन ही नहीं, दरवाजों मशीनों आदि के सफेद हैंडलों के लिए भी इसका उपयोग होता है, जिससे आदमी का हाथ छूने से काला न हो। एक ओर बिजली ने धुएं को संसार से विदा कर दिया तो दूसरी ओर इधर इनसे हाथ का काला होना भी बंद कर दिया। आज क्या फैक्ट्री के आदमी का रंग काला होता है? आर्ट पेपर पर चिकनाई लाने के लिए भी इस सफेदी का प्रयोग होता है। अब हाथी दांत तो पैदा नहीं होता, किंतु वह निसंसार दूध उसके काम के साथ बहुत से काम कर जाता है। घासों के टाल तो मैंने जगह जगह देखे रंग कहीं नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि धान और आदि डंठे भी दंतल द्वारा काटे जाते हैं। साथ ही वाली को डंठे साथ काट कर एक बची जाती है और डंठल का ऊर्जा अलग होता जाता है। यह डंठल और पार से दांते बांध बांध कागज के कारखाने से भेज दिए जाते हैं, जहाँ इसे कागज बनाया जाता है। गाय भैंसे खाने के लिए हरी और सूखी घास काफी। अब 3:30 बजे के तोप की आवाज पास के उसी गांव से आ रही है। हमारी गाड़ी वाली सभी बेंचों पर आकर बैठे थोड़ी देर में हवा का छिड़क कार के सहारे तैरता हुआ जलपान तथा सामने आ गया। उस वक्त भोजन कुछ और ही नियामक थी। एक छोटी तस्तरी में काली मिर्च लगाकर घी में तले नमकीन हरी मटर तथा हरे चने के दाने थे। दूध में मिला हुआ एक एक गिलास गन्ने का कच्चा रस अलग रखा हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ फल भी थे। मालूम हुआ आजकल के लोग पुराने गांव की इन नियमतों में से महरूम नहीं। बताया गया कि ऐसे ही सभी मौसम की चीजें बच्चे बूढ़ों पुरुष स्त्रियों के पास पहुंचा करते हैं।
पक्का कि इन्होंने भूखे इसी तरह जलपान के समय पहुंच जाते हैं। यदि हम उस समय सफर करके हमारी गाड़ी के परिवार की जलपान, मेरे मन में उस समय एक ख्याल आता कि इस युग के बारे में 20वीं शताब्दी के हिंदू कहा करते थे, आगे घोर कलयुग आएगा, पृथ्वी नरक हो जाएगी, यह तो सभी दृश्य स्वर्ग के मालूम होते, शायद इस युग के स्वार्थियों के लिए समस्त मंडल वासियों का इस प्रकार आनंद भोगना नरक प्रतीत होता था। हाथ बात होकर सामने खिड़की से देखा, निचले खेतों में कोसों तक चनों की हरियाली लहराई, चनों के सिवाय दूसरी कोई चीज ही नहीं नजर आई। पूछने से ज्ञात हुआ अगला स्टेशन सालीग्राम, वहां सिर्फ धान और चनों की खेती होती, धान की फसल कट जाने पर खेतों में चने बो दिए जाते हैं। 50-50 बीघों एक एक क्यारी जिनके चारों ओर कृषि मेले थे, बासमती किस्म भोग कनक जीरा आदि उत्तम धानों को छोड़कर मोटे धानों की खेती एक तरह से बंद। विद्यालय ने उनको मूल रक्षा तथा परिचय के लिए थोड़ा बोला बोला, बाकी खाने के लिए सब अच्छे अच्छे चावल हैं। यह सालीग्राम भी 10,000 आदमियों का ग्राम, यहाँ खेती के अतिरिक्त चावल अलग करने का भी कारखाना है। धान उगाई का काम भी बस मशीन से चावल तैयार हो जाता, स्थान स्थान पर गाड़ियों में हर घर का कमाना हो, चनों की दाल और बेसन बनाकर तथा साबुत की चालान किया जाए, पायल पायल को कागज के कारखानों ही में चला जाता है। हाँ, धान की भूसी तथा कूड़े करकट को गड्ढों में सड़ाकर खाद दवाई होती है, बाकी खाद को गौ ग्राम भैंस ग्राम से आती है। इतने ही पशुओं के ग्रामों में हड्डी पसीने कारखाने, मुर्गे पशुओं को पहले बता दिया गया है कोई चमड़ा नहीं था, निकाल दिया गया, इसे सड़ी मिट्टी को खाद के स्थान पर ले दी जाती है और हड्डियां फलों में पीसकर चूर्ण कर दी जाती है। यहाँ उनसे घोष फास्फोरस निकाली जाती है, जिन्हें दिया सलाई बनाने आज के काम लिया। सिगरेट के बंद होने पर रात के स्थान पर बिजली का प्रयोग होने से दिया सलाइयों का खर्च कम क्या नहीं किया, और भी एकाद कारखाने दिया सलाई की रखे। सालीग्राम का खेत का मैदान स्टेशन के पास की सड़क के किनारे था, देखा सहसों स्त्री पुरुष वहां जमा हुए हैं, फुटबॉल खेला जा रहा है, बड़े बड़े जवान खेल में लगे हुए हैं। ओह, अभी एक गोल हुआ, सारी दर्शक मंडली ने प्रसन्नता प्रकट की। आगे इधर कबड्डी जमी हुई है, हरी घास में जांघिया और बनियान पहने खिलाड़ी खेल रहे हैं। स्थान सड़क से लगा हुआ है और गाड़ी स्टेशन के पास आने से बहुत धीमी पड़ गई है, इसलिए उनके पुष्ट सुंदर और स्वस्थ शरीर खूब दिखाई पड़ रहे थे। रेलों की सड़कों के नीचे से जगह जगह नहरें जाती दिख पड़ती है। स्वामित्र ने कहा, अब गंडक गंगा आदि नदियों का की धारा इतनी मोटी नहीं मिलती जितनी की पहले थी। सारे देश के नहरों का जाल बिछा हुआ है, इन नदियों के पानी का बहुत सा भाग तो ऊपर से ऊपर ही नहरों में ले लिया जाता है। सभी ग्रामों में अद्यपि अपने कारखानों की भाप के लिए
पानी की आवश्यकता नहीं, किंतु सब कुछ हरा भरा और साफ रहने के लिए उसकी बड़ी आवश्यकता है। खेती और बगीचे वाले गांवों को तो सींचने की ही हर आवश्यकता पड़ती रहती है। पानी और बिजली यही दोनों आजकल के संसार के प्राण हैं। बल्कि बिजली भी तो पानी ही से तैयार की जाती है, इसलिए पानी आजकल सब कुछ है। इसका जैसा ही बड़ा भारी खर्च है, वैसा ही व्यर्थ व्यय भी न होने की ओर ध्यान। जंगल छोड़ते ही धूम बराबर आ गई। अब पहाड़ भी दूर धुंधले बादलों की भांत दिख पड़ते थे। चारों ओर मैदान ही मैदान था। बस्ती के पास ही वृक्ष थे, अन्यथा वृक्षों का कहीं नाम न था। खेतों में खाद ले जाने तथा अनाज ढोने के लिए छोटी छोटी गाड़ियों की पतली पतली लोहे की कड़ियां दिखलाई पड़ती थी। चनों में अद्यभी फल लग गए थे, किंतु अभी पके न थे। वह बिल्कुल हरे दिखलाई पड़ते थे, तो भी कहीं अभी रखवालों की झोपड़ियां न दिखाई देती थी। सालीग्राम स्टेशन से कोसों आगे तक चनों के खेत चले आए थे। अब भूमि ऊंची आई, चनों की जगह पर बड़ी बड़ी बालियों वाले गेहूं के खेत थे। सड़क के दोनों तरफ जहां एक दृष्टि जाती हरे भरे गेहूं दिखलाई पड़ते हैं। हवा के झोंकों से हिलते हुए प्रशांत सागर की हल्की तरंगों के समान मालूम देते हैं। गेहूं के स्वाद और आटे की सफेदी के बारे में क्या कहना है, किंतु मुझे गेहूं के दाने अभी देखने को न मिले थे। मैंने विश्वामित्र से पूछा कि क्या हमारे समय में पूसा नंबर 3 से भी यह दाने अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा, पूसा नंबर 3 विद्यालय के संग्रहालय में रखा हुआ है। वह भला इन गेहूं को क्या मुकाबला कर सकता है। खेत की जुताई कटाई दवाई आज के सभी के बारे में तो इकट्ठा ही सुन चुका था, किंतु बिजली की कला द्वारा होती है, कलों द्वारा होती है। एक एक मोटर हल से 10-10 फाल पाती में लगे रहते, जो एक एक साथ साथ गहरी भूमि खोदते चलते हैं। पीछे से लगा पटेला सिरावन ढेलों को फोड़ता और भूमि को बराबर करता जाता है। बोने का नाम भी मशीन की द्वारा होता है। पक्की खेती को काटना बांधना धोना आज सभी काम कले ही करती हैं। अच्छी खाद और पर्याप्त जल की अनुकूलता से फसल जैसी चाहिए वैसी ही होती है। गेहूं के खेतों में साल में 2 फसलें होती हैं। बरसात में मक्का और बाजरा बोया जाता है। फिर यह गेहूं मक्का और बाजरे को आजकल आदमी केवल भुट्टा और होला के तौर की मौसम में 2-4 दिन खाते हैं, बाकी उन्हें गाय भैंसों को दिया जाता है। इनके डंठल भी कागज के कारखाने में जाते हैं। हरा होने के पास किसी पशु ग्राम में भी स्वाद बदलने के लिए भेज दिए जाते हैं। इस गेहूं ग्राम में आटा पसीने का बड़ा आटा पीसने का बड़ा कारखाना है। यद्यपि सभी गेहूं के ग्रामों में खेती के साथ साथ पिसाई भी होने का नियम नहीं है, किंतु नजदीक में और कोई ऐसा कारखाना न होने से इसकी आबादी 10,000 करके यहाँ कारखाना भी रखा गया है। आटा मैदा सब यहाँ तैयार होकर चालान होता है। गेहूं ग्राम की सीमा पार होने पर आम लीची आदि के वृक्ष दिखलाई देने लगे। पूछने पर ज्ञात हुआ, अब हम मोतिहारी के पास आ गए। यह बगीचा एक विद्यालय का है। पहले बतलाया जा चुका है कि 3 वर्ष के बाद लड़के लड़कियां माता पिता तथा जन्म स्थान से अलग करके विद्यालय में भेज दिए जाते हैं। हमसे कुछ ही आगे आए कि अंधेरा हो गया। फिर मैं कुछ आगे के ग्रामों की बात पूछना और सुनता रहा।
8 बजे भोजन को समाप्त कर थोड़ी देर और वार्तालाप किया, तब सारी ट्रेन बिजली के प्रकाश से जगमगा रही। इसके बाद मैं सो गया। 4 बजे समय था जब हमारी गाड़ी गंगा का पुल पार करने लगी। हमने अब मगध प्रवेश किया। यह घटना देवानामियम प्रियदशमी राजा की परी आई की पुरी आई। मैंने एक बार जो अपनी यात्रा की अब तक के दृश्य को अपने सामने फिर रखा तो विचार हुआ, अब के लोग बड़े चतुर हैं। पहले के प्रत्येक आदमी ये चाहता था कि संसार की सभी वस्तुएं वही पैदा कर ली। इस प्रकार एक ही गांव में अपनी आवश्यक सभी सामग्रियों को पैदा करने की कोशिश करना था। अब तो एक गांव के हजारों आदमी एक ही चीज पैदा करते हैं। दर्जी ग्राम कपड़ा तैयार करने वाले ग्रामों से कपड़ा लेकर स्त्री पुरुष बच्चों के लिए तरह तरह के नाप के वस्त्र तैयार करता और आई हुई मांगों के अनुसार वहां वहां रवाना करता। इसके कुछ आदमियों की रसोई बनाना पड़ता है, किंतु उसे भी अनाज पैदा करने के संबंध न आटे चावल के पड़ता है किंतु उसे न अनाज पैदा करने में संबंध न आते चावल के भाव में प्रयोजन न लाठी से गाय भैंस चराने का काम न आलू बैगन गोभी बोने का से मतलब न ऊख पेर कर चीनी गुड़ तैयार करने का प्रयास अर्थात उसके लिए अपेक्षित अन्य सभी वस्तुएं दूसरे ग्राम तैयार करते हैं जिनकी की कपड़ों की आवश्यकता वो पूरा करता है। इकट्ठा बहुत सी चीजें कलों द्वारा तैयार करने में श्रम और समय कम लगता है। कहाँ पहले दो लोगों के दिन रात लगे रहने पर वही मसल थी कि यदि सिर ढका तो पैर नंगा, आदि पैर ढका तो सिर नंगा। परंतु यहाँ हफ्ते में 5 दिन और रोज 4 ही घंटे प्रत्येक व्यक्ति को काम करना पड़ता है और इतने ही में स्वर्ग सुख भोगने की सभी वस्तुएं प्रस्तुत हो जाती हैं। पहले की सारी जिंदगी जिंदगी ही के लिए थी। आदमी रात दिन लगे रहकर में और अपने बाल बच्चों का पेट भर तन धान जीवन रक्षा करता था। दूसरे काम के लिए मुश्किल से समय निकलता था। यहाँ मैं उन आदमियों को नहीं गिनता हूँ जिनका जीवन पराये की मेहनत पर निर्भर था। उस समय मनुष्य कैसे अपने जीवन का कोई उच्च लक्ष्य रख सकता था जबकि इस प्रकार की आपत्तियों से उसे पड़ा रहना पड़ता था। किंतु अब अवस्था ये दूसरी हो गई है। 4 घंटे काम, बाकी 20 घंटे सोना, पढ़ना, नित्य गान, सत्संग, विद्यावसन, परोपकार, चिंतन, साहित्य सेवा आदि सभी कर्मों के लिए बचा हुआ है। इतनी सुख की सामग्रियों से घिरे रहने पर भी उसके लिए अपने जीवन का स्वार्थ अर्पण नहीं करना पड़ता। प्रबंध कैसा है? वर्ष में 9 मास अपना कर्तव्य पालन करके आप 3 मास सैर सपाटा भी कर सकते हैं। चाहे पृथ्वी के किसी भाग में भी स्वतंत्रता पूर्वक घर की भांत सानंद रेल जहाज या विमान द्वारा विचर आ सकते हैं। अपने अपने कार्य क्षेत्र को चुनने में भी स्वतंत्रता है। केवल योग्यता होनी चाहिए। फिर भारतीय अंगूर की खेती का जानकर फ्रांस में जाकर बस सकता है, रह सकता है। पटना में नालंदा जाने वाली गाड़ी तैयार मिली। हमारी गाड़ी की यही तक पहुंची थी। अन्य साथियों से विदा हो मैं और विश्वामित्र नालंदा की गाड़ी पर जा बैठे।